हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है रक्षाबंधन, सो हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। जो भी मेरे भाई बहन भैया जो कोई भी है, दीदी, सबको हैप्पी रक्षाबंधन। तो स्पेशली तो जैसे रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच में ही मनाया जाता है, लेकिन बचपन से मैं और मेरी बहन हम दोनों भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं। लेकिन अभी तो मैं ससुराल में हूँ और मेरी बहन मेरे मायके में है, तो इसलिए उसको राखी बांधना तो पॉसिबल नहीं हो रहा है। देखते हैं, जब घर जाऊंगी उस टाइम पे मैं उसको राखी बांधूंगी और वो भी मुझे राखी बांधेगी। फिलहाल अभी टाइम हो रही है सुबह के 8:30 और मैं एकदम नहा धो के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, हमारा जो मंदिर है, हाँ, काली माता की जो मंदिर है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। जब भी हम लोग आते हैं ना ससुराल में, हम लोग एक बार काली माता के मंदिर ज़रूर जाते हैं काली माता को दर्शन करने के लिए। तो वहीं पे अभी हम लोग जा रहे हैं, तो नहा के मैं एकदम रेडी हो गई हूँ। ये मैंने ना एक नई कुर्ती मैंने पहनी है, इससे पहले ये वाला कुर्ती कभी पहनी नहीं थी, लेकिन इसका मैचिंग मेरे पास लेगिंग्स नहीं था, तो मैंने ब्लैक लेगिंग्स के साथ ही इसको पहन लिया है। और इसके मैचिंग मेरे पास दुपट्टा भी नहीं था, तो मैंने रेड कलर का दुपट्टा ही डाल लिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो अभी हम लोग निकलेंगे। सौरभ तो कल से एक ऑटो रिक्शा बोल के ही रखा था ताकि हम लोग सुबह के टाइम पे इजीली निकल पाए, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑटो रिक्शा भी आ ही गया होगा। तो चलिए नीचे चलते हैं, फिर मंदिर से घर वापस आके रक्षाबंधन स्पेशल व्लॉग तो है ही, उसके लिए तो वेट आप लोगों को जरूर करना पड़ेगा। एनीवेज, चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट के निकलते हैं। हमारा पूजा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, यहाँ पे है हमारा काली माता के, इसको बेदी बोलते हैं हम लोग, और ये है काठमो, और यहाँ पे है हमारा शिव यानी महादेव, और यहाँ पे बजरंगबली भी है साथ में। तो यहाँ पे बजरंगबली का जो तिरंगा होता है ना, वो यहाँ पे लगाया हुआ है। और ये जगह इतना ज़्यादा शांति का जगह है ना कि मैं क्या बोलूँ। यहाँ पे आके ही जितना भी आपको गर्मी लगे, यहाँ पे आके आप एकदम ठंडक महसूस करोगे, क्योंकि जगह है ही इतना शानदार। मैं आपको, हाँ, किसका? बरगद। अच्छा, देखिए बरगद का पेड़ है, और जस्ट लुक एट द बैकग्राउंड, इतना ज़्यादा ग्रीनरी है। और यहाँ पे है हमारा पूजा का जगह, इसलिए इतना ज़्यादा शांत है ना, कोई यहाँ पे इतना ज़्यादा आना जाना नहीं करते हैं, बहुत ही कम। यहाँ पे आसपास घर वर भी इतना ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम एक दो घर होगा, और ये सारे रेल के क्वार्टर्स हैं, स्टाफ क्वार्टर्स, लेकिन इसमें मैक्सिमम लोग रहते ही नहीं है। ठीक है, एक दो घर में मोस्ट प्रोबेबली लोग रहते हैं, तो बहुत शांति का जगह है। और पीछे तो बैकग्राउंड आप लोग सुन ही पा रहे हैं, चिड़िया का, कौवे का, तो बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा। यहाँ पे आके ना ऐसा करता ही नहीं है कि घर वापस जाऊँ, लगता है कि यहीं पे बैठी रहूँ। सौरभ का तो फेवरेट जगह है ना, यहाँ पे आने के बाद यू विल फील लाइक आपका जो स्ट्रेस है पूरा निकल गया। हाँ, एग्जैक्टली, ये सच है, स्ट्रेस निकल जाता है मेरा, ये सच है। 3 साल से मैंने ये तो जरूर रियलाइज किया है कि आप जितना भी मन में दुख, मन में आपका परेशानी, जो कुछ भी आप लेके आओ, यहाँ पे आके काली माता के सामने थोड़ा सा बैठ के अगर आप आपके मन के बात सब कुछ बताओगे ना, दिल की बात स्पेशली, तो फिर इतना अच्छा लगता है। ये जगह एकदम स्ट्रेस ब्रस्टर है, आप बोल सकते हो, मेरे लिए तो स्पेशली, सौरभ के लिए भी, इवन हमारे घर वाले सब के लिए। सो चलिए, अभी पूजा हो गया है, टाइम भी काफ़ी हो गया है, 10:30 हो गया है ना, और टोटो वाला भैया यहाँ पे वेट ही कर रहे हैं हमारे लिए। सो चलिए घर चलते हैं। सो हम लोग घर वापस आ गए हैं, और हाथ मुंह धोके ड्रेस वगैरह चेंज करके अभी बस ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग। मंदिर से आते टाइम हम लोग लेके आए थे आलू चॉप वंस अगेन, क्योंकि सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो मैंने सोचा कि सबके लिए दो दो चॉप ले लेते, घर जाके मुड़मुड़ा खाएंगे। अभी मैं आई हूँ छत पे, कि रोद को मसी, ये देखिए हमारा छत, कितना सारा पेड़ पौधा पापा ने लगाए थे, एक भी पेड़ पौधा नहीं सूखा है, क्योंकि हमारे मेड ना बहुत ही अच्छे से देखभाल करते हैं, लेकिन मैं धूप में इतना ज़्यादा देख नहीं पा रही हूँ। आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सारा पेड़ पौधा, बहुत सारे हैं,
और इतने सारे फूल भी आते हैं ना सुबह के टाइम पे, मम्मी सारे फूल उठा के नीचे लेके रख दिए हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। और ये देखिए, ये है हमारा तुलसी का मंदिर। पहले तो एक ब्लॉग में मैंने दिखाया था, मैं हमारे हाउस टूर के ब्लॉग में, कि ये है हमारा पूजा घर, ठीक है, छत के बिल्कुल ऊपर। लेकिन अभी ये पूजा घर यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि पापा को डॉक्टर ने मना किया है इतना ज़्यादा ऊपर नीचे करने के लिए पापा के हेल्थ के वजह से। और जैसे कि ये पूजा रूम एकदम टॉप में है ना, एकदम छत के ऊपर, तो इसलिए डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि वो पूजा का सारा सामान, भगवान, सब कुछ नीचे लेके चले गए हैं हम लोग, और नीचे ही अब से पूजा होगा, क्योंकि पापा इतने बार ऊपर नीचे कर नहीं पाएंगे, और मम्मी का भी घुटनों का प्रॉब्लम है, तो मम्मी भी इतना ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे। और मासी अभी यहाँ पे नहा धो के पूजा का कुछ कर रही है, ठीक है तुलसी। अच्छा हाँ। तो तुलसी मंदिर में अभी मासी पानी डाल रही है, और सुबह सुबह सब्जी वगैरह सब कुछ खरीद के लेके आ गए हैं पापा, जो कि यहाँ पे सैनिटाइज होने के लिए रखा गया है धो के अच्छे से। और यहाँ पे ना एक मनी प्लांट का बहुत सुंदर सा एक पौधा भी है, ये देखिए कितना सुंदर है ना, मेरे ससुराल बहुत सुंदर है, नो डाउट। तो चलिए अभी कर लेते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट। चलो ऐसा, यहाँ पे अभी चल रही है रक्षाबंधन की, क्या बोलते हैं, रिचुअल्स। तो यहाँ पे मेरी जो ननंद है यानी मासी की बेटी, वो अभी यहाँ पे राखी बांध रही है सौरभ को। कत बचर पर पेली रे राखी बांधते दादा के? एक बार बांधिस नहीं, प्रथम बातचीत। अच्छा, ये राखी फर्स्ट टाइम बांधा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी भी सौरभ राखी में रहता ही नहीं था घर पे। और ये देखिए यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है। तो इसीलिए फर्स्ट टाइम अभी वो लोग राखी बांध रहे हैं। लेकिन तुमको पता है, एक बार अगर राखी बांधोगे ना तो 3 साल बंधवाना पड़ता है, लगातार 3 साल। हाँ, फिर तुमको राखी में आना पड़ेगा स्पेशली बहनों के लिए। तू बात अब बांधेगी मेरी बड़ी ननंद मुनमुन। ये देखिए एक गान टन हो न की, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। कब बनेगी दुल्हनिया? देरी अच्छे अखन दुल्हनिया बनते, जल्दी बन जा दुल्हनिया। कुछ सुंदर राखी टा, किंतु मिष्टी टा होलो ना रे, मिठाई नहीं है, यही बस थोड़ा सा दुख है। कैडबरी तो ला सकते थे एटलीस्ट। गलती हो गया, कैडबरी लाना चाहिए था ना, मुंह मीठा तो करना होता है। हजमोला से मुंह मीठा कर दो। हजमोला से मुंह मीठा कैसे होता है? ये देखिए तो राखी कितना सुंदर है ना। सो व्हाट यू गाइस नीड, टेल मी। ऐसा मौका छोड़ना मत, जल्दी आ जाओ। पैसा कहती है, पैसे पे क्यों मरती है। सो दिस इज फॉर यू 500। कोई रे टाका पॉकेटे ढुकी ने वैसे गिरा है। दिस इज फॉर यू 500। व्हाट इज वाला आर किछ जाए ना, एटु प्रणाम कर दादा। हाय वाह वाह, आशीर्वाद करो दा एकटु माथा हाथ दिए। ताती बिये हो तो ना रे, तातरी चाके जल्दी जॉब वॉब मिल जाए तुम लोगों को, उसके बाद शादी करो, अभी शादी मत करो इतना जल्दी। हो गया राखी सेशन खत्म। ओके बाय कर दो सब लोग। अभी टाइम हो रही है दोपहर के 2, और मेरा लंच बनाना कंप्लीट हो गया है। सब लोग अभी हम लोग खाने के लिए बैठ ही जाएंगे। तो आज का राखी पूर्णिमा स्पेशल लंच मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है जीरा राइस मैंने बनाई है, और यहाँ पे अभी बन रहा है मटन कोसा बंगाली स्टाइल आलू डाल के। तो ये तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस थोड़ा सा इसका ग्रेवी जो है ना इसको और ड्राई करना है, उसके बाद फिर ये सर्व कर दूंगी। तो ये और 10 मिनट होगा, जैसे इसका ग्रेवी थोड़ा सा सूख जाएगा इसको गैस में बंद कर दूंगी। गरम मसाला वगैरह सब कुछ डाल दिया है। तो ये दोनों ना एक्चुअली मैंने बनाई है, जीरा राइस और मटन कोसा, और बाकी का जो वेज में जो आइटम है वो मासी ने बनाई है, क्योंकि मामा जी है ना, मामा जी प्योर वेजिटेरियन है जैसे कि मैंने बताया था। तो यहाँ पे सारे वेज खाना है। ये देखिए यहाँ पे है मसूर का दाल, साथ में है आलू फ्राई, कुंदरू फ्राई, और ये है पोस्तोर बड़ा यानी खसखस डाल के, खसखस पेस्ट करके पकोड़ा। तो ये मासी ने बनाई है, और ये 2 आइटम मैंने बनाई है, और हाँ सौरभ ने बनाई है सैलड। हाँ यहाँ पे भी आके वो सैलड बना रहा है, और रायता अभी तक बना नहीं है, रायता बनेगा खाने के टाइम पे। तो चलिए सबको बहुत तेज भूख लग गई है,
राखी का सेलिब्रेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हुआ है, उसके बाद अभी लंच वंच करके उसके बाद मुझे करना है पैकिंग भी, क्योंकि कल मैं जाने वाली हूँ मेरे मायके। अभी शाम के टाइम पे बस चाय वाय पी के बैठे हुए थे, अभी मुझे करना है पैकिंग क्योंकि कल सुबह सुबह हम लोग निकल रहे हैं मेरे मायके की तरफ। सो आई एम वेरी 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 मच एक्साइटेड। ऑब्वियसली मायके जाना कौन नहीं पसंद करता है, वो भी ऑलमोस्ट 7 to 8 months बाद, 7-8 महीने बाद। तो मैं तो जितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो तो अलग बात है, उससे भी ज़्यादा मेरे मायके वाले एक्साइटेड हैं। मेरी बहन तो और मतलब उसको तो और वेट ही नहीं हो रहा है उससे, बोल रहे कि दीदी कब आओगी कब आओगी कब आओगी, पागल कर रही है। तो यहाँ का हमारा जितना सब कुछ काम वगैरह था, सौरभ का कुछ बैंक का काम था, पापा का कुछ बैंक का काम था और भी छोटे मोटे कुछ काम थे, वो सारा आज फाइनली कम्प्लीट हो गया है। तो कल इसलिए सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे मायके की तरफ। तो गाड़ी ऑलरेडी सौरभ ने बोल दिया है, गाड़ी आ जाएगी सुबह 9 बजे। हाँ, सुबह 9 बजे गाड़ी आ जाएगी, तो उससे पहले हम लोगों को रेडी वगैरह होके निकल जाना है। तो गर्मी इतना ज़्यादा है ना, आप देख ही सकते हो, इतना ज़्यादा मुझे पसीना आ रही है कि क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है। फिर भी तो एसी ऑन करके थोड़ी देर के लिए बैठी थी, लेकिन जैसे एसी से बाहर निकली ना फिर से गर्म। वैसे बाहर तो थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है, देखते हैं कि थोड़ा सा ठंडक महसूस होती है कि नहीं। एनीवेज चलिए मैं फटाफट से भी पैकिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। हो गया है, ये देखिए, ये कल हम लोग पहन के जाएंगे तो ये अलग से रख दिया है। और ये तो मेरा जो पर्स है, जो हैंडबैग वो, और ये वाला बैग एक्चुअली हमारा ही है। इसमें मम्मी पापा का कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह था, क्योंकि मम्मी पापा विंटर के टाइम पे आया था ना, तो स्वेटर ब्लैंकेट्स वगैरह था, वो मैं इस बैग में पैक करके लेके आई थी। और ये वाला ट्रॉली में हमारा सब कुछ सामान है, और पापा ने तो कुछ कुछ खरीद के दिए है यहाँ से, जो बैंगलोर में बहुत ज़्यादा कॉस्टली है या तो फिर अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती है या तो फिर मिलती ही नहीं है, ऐसे कुछ चीज़ें पापा ने दिए हैं। तो वो सब कुछ मैं बैंगलोर जाके अनबॉक्सिंग करूँगी, अभी कुछ भी मैं अनबॉक्सिंग नहीं करूँगी क्योंकि सारे सामान मैंने सब कुछ यहाँ पर पैक कर लिया है। ठीक है, तो अभी टाइम हो रही है रात के 9:30। डिनर वगैरह सब कुछ बन गया है, आज मासी खुद ही डिनर वगैरह सब कुछ बना रही है। आज मुझे किचन में रात के टाइम पे आने नहीं दिया मासी ने, मासी बोला कि तुम कल चले जाओगे, आज का दिन तुम रेस्ट कर लो, मैं सब कुछ बना के तुमको खाना परोस दूंगी। तो यहाँ पे रोटी बन रहा है और यहाँ पे कढ़ाई में बन रही है एक सब्जी, मिक्स वेज अचना मासी, 5 रकम अनेक रकम में सब्जी दी है, तो बहुत टाइप के सब्जी डाल के यहाँ पे एक मिक्स वेज काइंड ऑफ वेज में ही बना रहे हैं, क्योंकि मामा वेज खाते हैं ना, तो मामा के लिए हमारे लिए एक बार वेज एक बार नॉन वेज अलग अलग बनाना मतलब थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है ऊपर से इतना ज़्यादा गर्मी में, तो इसीलिए मैंने बोला कि वेज ही बना लो ताकि सब लोग एक साथ मिलके खा लें। और मेरे दोनों ननद यहाँ पे बैठ के बातें वातें कर रहे हैं, दोनों बहुत ज़्यादा खुश है, रक्षाबंधन का गिफ्ट मिल गया है उन लोगों को, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश है। और मम्मी पापा और सौरभ नीचे है, वो लोग नीचे कुछ बातें वातें कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे थे मोस्ट प्रॉब्ली, और पापा का कुछ बैंक का काम वगैरह है तो वो भी संभाल रहे हैं। तो रात काफ़ी हो गई है, तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।